हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हीट बजट ऑफ अर्थ। तो देखिए, हमारी पृथ्वी में लगातार सूर्य से ऊर्जा आती रहती है और उसके साथ ऊर्जा लगातार डिसिपेट भी होती रहती है। अगर ये प्रॉपर बैलेंस में ना हो तो या तो पृथ्वी लगातार गर्म होती चली जाएगी या तो लगातार ठंडी होती चली जाएगी। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन और टोटल लॉस्ट रेडिएशन जो है, यानी रिटर्निंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, उनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना होता है। इसी को हम लोग हीट बजट कहते हैं। तो देखिए, ऐसा मान के चलते हैं कि जो एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर है वहाँ पे 100 यूनिट आ रही है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 100 माना जाता है, ठीक है। तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो शॉर्ट वेव होती है, सूर्य से 100 आ रही है। तो ये डायरेक्ट जो आ रही है, डायरेक्ट रेडिएशन, ये पृथ्वी तक पहुँचता है 34 यूनिट, 100 का 34 पहुंचता है। बीच में क्लाउड्स वगैरह होते हैं एटमॉस्फेयर में, उससे रिफ्लेक्ट होता है 27 यूनिट, ये सीधे स्पेस में रिटर्न हो जाता है। फिर अर्थ में जो आइस कैप्स वगैरह हैं उनसे 2 यूनिट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये डायरेक्ट रेडिएशन 34 यूनिट पृथ्वी तक पहुंचा, इधर 14 यूनिट यानी 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर ने अब्सॉर्ब कर लिया। फिर इधर स्कैटरिंग भी होती है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो स्कैटरिंग की वजह से 6 यूनिट सीधे सीधे स्पेस में लौट जाता है, जबकि 17 यूनिट पृथ्वी तक पहुँचता है। तो ये इनकमिंग हीट का या इनकमिंग सोलर रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं कि पृथ्वी तक कितना पहुंच रहा है। तो अगर 100 आ रहा है एटमॉस्फेयर की आउटर एज पे, तो पृथ्वी तक टोटल आ रहा है डायरेक्ट और स्कैटर्ड रेडिएशन से मिलाकर अर्थ सरफेस पे आ रहा है 51, ठीक है। बाकी 14 रह जा रहा है एटमॉस्फेयर में और बाकी सब स्पेस में लॉस्ट हो गया, ठीक है। 27 बाय क्लाउड्स, 2 एल्बिडो है अर्थ का, यहाँ पोलर आइस कैप्स वगैरह का, और स्कैटर रेडिएशन 6, इतना टोटल लौट गया। अब देखिए, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो अब देखिए, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात कर रहे हैं, ये तो इनकमिंग शॉर्ट वेव का हम देख रहे थे, अब लॉन्ग वेव जो पृथ्वी से होकर जा रही है। तो देखिए क्या होता है कि 19 यूनिट्स जाती है एटमॉस्फेयर में, जो कि एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन के रूप में जाके, मतलब इवेपोरेशन कंडेंसेशन, यहाँ से 19 लॉस्ट होती है अर्थ सरफेस से और एटमॉस्फेयर को कंडेंसेशन के समय मिल जाती है लेटेंट हीट के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए, 9 यूनिट कन्वेक्शन करेंट्स और टर्बुलेंस के माध्यम से ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है अर्थ सरफेस से, ठीक है, जैसे स्टॉर्म वगैरह आते हैं, ठीक है, और असेंडिंग एयर के माध्यम से, कन्वेक्शन करेंट्स के माध्यम से ये 9 यूनिट मिल जाती है। तो 19 यूनिट ऐसे, 9 यूनिट ऐसे। उसके बाद 23 यूनिट, देखिए ध्यान रहे, पिछले सेगमेंट में हमने देखा था कुल मिला के अर्थ सरफेस को 51 यूनिट्स मिल रही थी, ठीक है। तो 23 यूनिट्स यहाँ से फिर लॉस्ट होती है, जिसमें से कि 6 यूनिट एटमॉस्फेयर में जाती है ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है, और 17 यूनिट
सीधे स्पेस में चली जाती है। अब देखिए इनको ऐड कर लीजिए, 19 प्लस 9 प्लस 6, ठीक है। और ध्यान रहे 14 यूनिट्स पिछले सेगमेंट में हमने देखा था एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फियर था, तो 14 ये टोटल हो गए 48। तो 48 यूनिट फिर एटमॉस्फियर जो है रेडिएट कर देता है स्पेस में। तो ये जो है हीट बजट हुआ पृथ्वी का। शॉर्ट वेव इनकमिंग होती है जो सूर्य से आती है, क्योंकि सूर्य का तापमान ज़्यादा है तो काफ़ी शॉर्ट वेव्स आती हैं। पृथ्वी जो री रेडिएट करती है उनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसको कहते हैं। वो लॉन्ग वेव होती है क्योंकि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बहुत कम है सूर्य वगैरह की तुलना में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।